मैंने मनीष से कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिधर हमने सिंपली इस दो मोटर से एक बोट बनाया था, इलेक्ट्रिक बोट। तो इस वीडियो में मैंने आपको कहा था कि ये जो बोट है इसको अगर आप रिमोट कंट्रोल बनाना चाहते हो, मतलब अगर आप चाहते हो कि हम इसको रिमोट कंट्रोल बनाएं, तो आप नीचे सिंपली कमेंट करिए और 100 लाइक्स पूरा कीजिए। लेकिन गाइस उधर उस वीडियो में तो 100 लाइक पूरे नहीं हुए, लेकिन कमेंट में हमें एक जो हमारे भाई है उसका कमेंट आया था कि इसको RC बनाओ, मतलब रिमोट कंट्रोल। तो इसीलिए आप कमेंट करते रहिए, हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसीलिए आपके कमेंट के ऊपर ही हमने इसको RC यानी कि रिमोट कंट्रोल बना दिया है। तो जैसे कि आप देख सकते हो इधर, मैंने इसका जो मेकिंग वीडियो है वो नहीं बनाया है। मैंने सोचा कि ये होगा भी या नहीं भी होगा, ये किस तरह से मतलब इतना इनफ पावर मतलब इस सर्किट बोर्ड के अंदर क्या जा पाएगा या नहीं, तो ये मैंने तो सोचा ये नहीं होगा। लेकिन बाद में ये वर्क कर रहा था, तो मैंने सोचा ये वर्क नहीं करेगा फिर कैसे मैं वीडियो डालूंगा। तो इसलिए फालतू में स्टोरेज फुल करके कोई तो काम नहीं है, तो इसीलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया मेकिंग का। तो फिर भी मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ किस तरह से हमने इसको बनाया है। तो इस इधर आप देख सकते हैं इसका कैमरा, तो इस ये कैमरा वही कैमरा है जो कि गोल वाला कैमरा था, आपने कई वीडियोज़ में देखा था वो कैमरा को। तो इसको हमने खोल कर कुछ इस तरह से इधर लगा दिया है इस कैमरा को, और इसका एप्लीकेशन का नाम है GXFVV। तो हमने सिंपली जो मोटर से मतलब ये सर्किट बोर्ड है, सर्किट बोर्ड के अंदर जो मोटर कनेक्ट होता है जिस पॉइंट में, तो उस दोनों जो पॉइंट है उसमें दो दो तार निकलता है। तो इसे हम जो लेफ्ट वाला मोटर है उधर दोनों तार लगा दिया है, और राइट वाला मोटर में भी दोनों तार लगा दिया है। तो और बैटरी जो कनेक्टर है मतलब पीछे इधर बैटरी इंसर्ट होती थी, इधर हमने कुछ इस तरह का बैटरी का यूज़ किया था जो कि हमें जो वाटर डिस्पेंसर था उसके अंदर ही मिल गया था। तो बैटरी का जो नेगेटिव और पॉजिटिव है हमने कुछ इस तरह से इधर सोल्डरिंग आयरन की सहायता से लगा दिया है। शायद आप इधर कनेक्टर देख सकते हो, जी हाँ इधर हमने दोनों तार कनेक्ट कर दिया है। और कैमरा के लिए जो वायर है, तीन वायर कुछ इस तरह से हमने वायर को लंबा कर दिया है। और गाइस इसके अंदर हमने इसका जो मोटर्स है, मोटर्स का जो इसका ये सर्किट बोर्ड है, इसको हमने डिसोल्डरिंग नहीं किया, हमने सिंपली इसके ऊपर ही तार कुछ इस तरह से लगा दिया है सोल्डरिंग करके, दोनों पे कुछ इस तरह डायरेक्ट लगा दिया है। और गाइस ये है इसका एंटीना जो कि इसका कैमरा वाईफाई एंटीना है। तो कैमरा को हमने मतलब पहले से मैंने कैमरा को ओपन किया था, तो मैंने सोचा कि इसको ही लगा देता है। इसका एप्लीकेशन का नाम है GXFVV। और इधर तो सिंपली वही वाला मोटर्स था जो पार्ट वन में मैंने आपको दिखाया था। तो वैसे अगर आप इसका पार्ट वन वीडियो देखना चाहते हो, तो उस वीडियो का लिंक मैं आई बटन में और एंड स्क्रीन में दे दूंगा। और सिंपली वही पाइप है दोनों, एक से वाटर अंदर जाएगा और एक से स्पीड से बाहर आएगा, तो दोनों में वही मैकेनिज्म है। और बाकी हमने जो सर्किट बोर्ड को किस तरह से लगाया है और मोटर के साथ किस तरह से कनेक्शन किया है वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। और ये जो पूरा मैकेनिज्म है इसको हमने कुछ इस तरह का बैटरी से पावर दिया है जो कि इधर लगाया गया है। तो चलिए अब हम इसे ऑन करके देखते हैं किस तरह से वर्क करता है। तो ऑन करने के लिए सिंपली जो ड्रोन में मैकेनिज्म था, ये जो बटन है इसको थोड़ा सा प्रेस करना पड़ेगा, तो फिर इसके अंदर एक ब्लू कलर की जो LED लाइट है ब्लिंक करने लगेगी कुछ इस तरह से। तो कुछ इस तरह से हमने इसका रख दिया है। और यह है इसका रिमोट जो कि E88 प्रो ड्रोन का रिमोट है, मतलब इसका ही तो सर्किट बोर्ड हमने इधर यूज़ किया है। तो जैसे ही हम तो सबसे पहले मैं आपको इसका जो कैमरा है उसको कनेक्ट करके आपको दिखाता हूँ, कैमरा का जो फुटेज है वो दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हम वाईफाई को ऑन कर लेते हैं, और वाईफाई को ऑन करने के बाद हमें इसका जो सिग्नल है वो कनेक्टेड हो गया है। तो हमने पहले से इसको कनेक्ट किया था, तो इसीलिए जैसे ही हम वाईफाई ऑन किया तो ऑटोमेटिक ये कनेक्ट हो गया है। तो चलिए अब इसका जो एप्लीकेशन है मतलब GXFVV, तो इसको हम ओपन करते हैं। तो अलाउ करते हैं, अलाउ प्ले। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो इसका जो कैमरा फुटेज है वो हमारे मोबाइल के ऊपर आ रही है। इसका कैमरा को थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं मतलब सामने में, अब ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हो इसका जो कैमरा फुटेज है वो अभी हमारे मोबाइल में आ रही है। तो कुछ इस तरह से हम इसका जो कैमरा फुटेज है उसको देख सकते हैं। और बाकी हम रिमोट से इसको कनेक्ट करते हैं एक बार। तो सबसे पहले फर्स्ट वाले जॉयस्टिक को ऊपर नीचे लाइट हो गया कुछ इस तरह से स्टेबल। और अभी हम जायरोस्कोप है जो इसका, तो उसको एडजस्ट कर लेते हैं मतलब कैलिब्रेट कर लेते हैं। तो इस पोजीशन में इसका जो जायरोस्कोप है वो कैलिब्रेट हो गया है। तो जैसे हम इस जो बटन है मतलब टेक ऑफ का, उसको प्रेस करेंगे और इसका जो मोटर है वो चलने लगेगी। और इस तरह से करने से इसका जो पावर है, एक मिनट,
बाकी ऐसा करने से पूरा बंद भी हो जाएगा। तो कुछ इससे दबाने से ये जो सर्किट है मतलब पूरा चलेगा, और ऐसा करने से ये कुछ इस तरह से बाया जाएगा, मतलब इसका स्पीड ज़्यादा होगा इसका कम होगा, ऐसा करने से इसका ज़्यादा होगा इसका कम होगा, मतलब ये बंद हो जा रहा है, मतलब कुछ इस तरह का जाएगा, और ऐसा करने से इसका जो स्पीड है वो ज़्यादा होगा और ये भी स्टॉप हो गया है। फिलहाल इसमें ये जो मोटर है स्लो घूम रहा था और ये फास्ट घूम रहा था, तो हम जैसे इसको राइड करना चाहे तो कुछ इस तरह से हम करेंगे, तो ये मोटर बिल्कुल बंद हो जा मतलब स्पीड घूम रहा था और ये मोटर बंद हो जा रहा था। तो पता नहीं इधर तो ये मोटर स्लो घूमना चाहिए लेकिन एकदम बंद होना नहीं चाहिए था, तो फिर भी शायद कुछ टेक्निकल इशू होगा, लेकिन हमारा जो काम है वो हो रहा है। तो ये बंद होने से भी कोई भी ज़्यादा मतलब ऐसा कोई नुकसान नहीं है, तो डायरेक्शन में कोई भी इशू नहीं आएगा। और दोस्तों जैसे हम जॉयस्टिक को छोड़ देंगे तो मिडिल में रखेंगे तो ये जो हमारा बोट है वो सिंपली आगे जाने लगेगा, फिर ये जो दूसरा दोनों जो मोटर्स है वो दोनों ही चलेंगे। तो इस कुछ इस तरह से हमारा जो ये पूरा मैकेनिज्म है वो वर्क करेगा। तो चलिए अब हम ले जाते इसको पानी में, फिर करते इसका फुल टेस्ट। तो चलिए तो बस अभी हम इसे ले आए हैं पानी में, तो इस अब आप देखना पानी में किस तरह से चलता है। तो जैसे ही आप देख सकते हो, जैसे ही हमने टेक ऑफ वाला बटन को प्रेस किया तो ये आगे जाना शुरू कर दिया है, और ये रिमोट से भी मतलब कंट्रोल हो रही है। लेकिन गैस इसका जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा ही स्लो है, क्योंकि गैस इसके अंदर एक छोटी सी बैटरी का यूज़ हुआ है जो कि दोनों मोटर को चलाने के लिए इनफ नहीं है। लेकिन गैस अगर हम इधर कोई हाई एम्पेयर की बैटरी यूज़ करें तो फिर इसका जो सर्किट बोर्ड है वो जल भी सकते हैं, क्योंकि ये इतना हाई एम्पेयर के लिए नहीं बना है। ये सिंपली 1800 एमएच का जो बैटरी है 3.7 वोल्ट का उसके लिए बना था, तो किसी हाई एमएच की बैटरी इसके लिए थोड़ा ज़्यादा ही हो जाएगा। तो इसीलिए हमने किसी हाई एमएच का बैटरी यूज़ नहीं किया, हमने सिंपली इसी बैटरी का यूज़ किया। तो फिर भी गैस इस कंट्रोल हो रहा था, सिंपली इधर सिर्फ एक ही दिक्कत था इसका स्पीड इतना स्लो है, लेकिन इसका जो डायरेक्शन है वो मैंने गलती से उल्टे लगा दिया है, मतलब राइट से लेफ्ट जाएगा और लेफ्ट से राइट जाएगा, मतलब टर्न को उल्टा कर दिया है। फिर भी गैस ये जो बोट है वो रिमोट से काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क कर रहा था, और इसका जो कमेंट्स है वो काफ़ी अच्छे तरीके से फॉलो भी कर रहा था। और गैस वीडियो के एंड में मैं आपको इसका कैमरा फुटेज भी दिखाऊंगा कि इसका जो कैमरा फुटेज है वो पानी में कैसा आता है। तो गाइस ये जो चीज़ है वो आपको कैसा लगा वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आपके दिमाग में ऐसे ही कोई आइडिया है तो मुझे कमेंट में ज़रूर से लिख देना, मैं उसके ऊपर वीडियो ज़रूर से बना दूंगा। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इसके लिए लाइक का बटन दबा देना और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे फैमिली का एक मेम्बर बन जाओ, तो इससे हमारा जो मोटिवेशन है वो इन सब चीज़ को करने में और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, फिर आपके पास और भी बेहतरीन वीडियोज़ आती रहेंगी। और नोटिफिकेशन बेल को दबाकर उस पर सेलेक्ट कर लेना, उससे हमारे जो वीडियोज़ है उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। तो बस दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।